एकलव्य भील समाज संगठन महाराष्ट्र के माध्यम से आज पचोरा में तहसील कार्यालय के सामने कब्रिस्तान की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पचोरा तालुका से एकलव्य भील समाज संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पचोरा तालुका के भोरटे खुर्द में आदिवासी भील समुदाय को कब्रिस्तान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के आदिवासी भील समुदाय के कब्रिस्तान को समय समय पर उस स्थान का नाम देने के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके खिलाफ जलगांव जिला कलेक्टर कार्यालय में एकलव्य भील समाज संगठन के माध्यम से आदिवासी भील समाज की समाधि का मुद्दा उठाया गया। उस समय जलगांव जिला कलेक्टर ने तत्काल नोटिस लिया और प्रत्येक तालुका स्तर पर तहसीलदार को इस संबंध में कब्रिस्तान परिपत्र के आधार पर इस मामले पर बैठक करने और चर्चा करने के लिए कहा। हालांकि चूंकि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया है, कुछ बदमाशों ने पचोरा तालुका के भोरटेक गांव में भील समुदाय के पारंपरिक कब्रगाह पर अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए एकलव्य भील समाज संगठन महाराष्ट्र के माध्यम से आज पचोरा में तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, माझं नाव प्रवीण मोरे, एकलव्य भील समाज संघटना जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष तसेच दंडनायक नियोजन समिति अध्यक्ष। सध्या इथे पाचोरा तालुका तहसीलदार ऑफिसच्या समोर आम्ही ठिय्या आंदोलन करतोय। याचे प्रस्तावित कारण भोरटेक या गावी स्मशानभूमीचा प्रश्न, मुळात तो प्रश्न सर्व जळगाव जिल्ह्यातच आहे। त्याच अनुषंगाने 2021 जुलै महिन्यात 19 तारखेला आपण एक मोर्चा काढला होता। ऑन द स्पॉट म्हणजे जस्ट मोर्चाच्याच ठिकाणी कलेक्टर साहेबांनी, राऊत साहेबांनी आम्हाला एक परिपत्रक दिलं, ज्यानुसार आम्ही ते परिपत्रक संबंधित किंवा संबंधित पदाधिकारी किंवा त्या तहसीलला जमा करून आपल्या आपल्या गावाची स्मशानभूमी क्लिअर करून घेऊ शकतो, नावावर करून घेऊ शकतो। अतिक्रमण असेल तर अतिक्रमण हटवू शकतो, स्मशानभूमी नसेल तर स्मशानभूमी अलॉट करून घेऊ शकतो सरकारकडून। ही प्रोसेस होती, त्या अनुषंगाने आम्ही वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये निवेदन दिले। संघटनेचे जेवढे पदाधिकारी होते त्यांनी निवेदनही दिले। त्याच निवेदनानुसार मार्च महिन्यात पाचोऱ्यातही भोरटेक या गावासाठी निवेदन देण्यात आलं। आता निवेदन देऊन 3 महिन्याच्या वरती झाले, कोणत्याही प्रकारची काहीही प्रशासकीय हालचाल झालेली नाही। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।